नमस्कार, मैं कुंचन मिश्रा और आप देख रहे समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। नौसेना के पूर्व सैनिक श्री शिवा शंकर सिंह को पुलिस द्वारा पिटाई से काफी चिंतित है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यूपी के जिला बलिया में चितबड़ा गांव थाना अंतर्गत ग्राम महरेव पोस्ट चितबड़ा गांव जिला बलिया के पूर्व नौसेना श्री शिवा शंकर सिंह और राज मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय महेंद्र सिंह साकिन महादेव के बीच गांव के संभ्रांत व्यक्तियों और पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान की उपस्थिति में एक पुराना बंटवारे का तैयार हुआ, जिस पर दोनों पक्ष सहमत से अपना अपना हस्ताक्षर बनवाए। साथ में आए संभ्रांत लोग वहां वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान दोनों की उपस्थिति में सभी लोग अपना अपना हस्ताक्षर बनवाकर एक समझौता कर लिया। अपनी अपने हिस्से में लोग रहने लगे। श्री शिवा शंकर सिंह और अपनी जर्जर मकान को तोड़कर बनवा रहे थे कि राजमुनि ने थाना चितबड़ा गांव में प्रार्थना पत्र देकर रुकवा दिया और पुलिस आने पर शिव शंकर के ही पक्ष के लोगों को ले गई। वहां के ले जाने के बाद रिटायर्ड सेना के जवान श्री शिवा शंकर को जबरदस्ती गलत बात मनवाने के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनको काफी चोटें आईं और एक तरफा ही उनके ऊपर 107-16 की कार्यवाही करते हुए चालान कर दिया गया। शिवा शंकर सिंह पुलिस की पिटाई से काफी दुखी थे। वह आज मीडिया कर्मी से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया करते हुए आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने अपने मकान को मीडिया कर्मी को दिखाया और कहा कि हमारी जमीन है जहां हम आटा चक्की लगा करके चलाया करते थे, लेकिन मैं बार बार थाना अध्यक्ष को अपनी पीड़ा सुनाता रहा लेकिन मेरी एक भी नहीं सुने और मुझे पूरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया। मैं अपना इलाज आज भी बाहर करा रहा हूं और मैं अपनी जमीन की पैमाइश का दरखास्त दिया हूं। आज जब मीडिया कर्मी ने दोनों पक्षों से पूछा तो दोनों पक्षों ने नापी हो जाए, जहां जिसका पड़ेगा वह रहेगा। जिसके बाद पीड़ित परिवार के शिवा शंकर की बहू और बेटे ने अपनी अपनी पीड़ित पीड़ा व्यक्त किया और कहा कि आज मेरा परिवार बहुत डरा सहमा सा हुआ है। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जब इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी तो कोई सुनने वाला नहीं होता। आज मैं और मेरा परिवार अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पीड़ित ने बताया कि मेरा भांजा मेरा साथ थाना गया था। भांजे ने पर्स से थाने के मुंशी द्वारा 7500 निकाल लिया और गया, कहा कि तुम जाओ और जहां जाना है पैसा नहीं मिलेगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद की रिपोर्ट। मेडिकल कराए, हमको नहीं मालूम इसमें क्या है, हमको नहीं मालूम। तो फिर किस बात का अब उसमें लड़ाई हो रही है? सर, वो जबरदस्ती जो है चक्की जो है चक्की का जो ये एरिया है और जो चक्की का दरवाजा है इतने एरिया को जबरदस्ती जो है कब्जा करना चाहिए। नहीं तो इस वो जमीन तो वो पुश्तैनी चीज है, वो बंटवारा हो गया है और आप लोगों के हिस्से में है, उसके बाद वो खाली नहीं कर रही है। जी, वो खाली नहीं कर रही है। उन्होंने जो है पंचायत बुलाया, पंचायत उन्होंने ही बुलाया तो बोला कि पंचायत जो है कल भी हमारी जमीन हमको दिलवा दीजिए। तो पंचायत में इन्होंने चरौली के प्रधान है श्री अश्वनी कुमार सिंह, वो आकर उन्होंने आकर पंचायत कराई, पंचायत उन्होंने पूरी नापी कराई। हालांकि इन्होंने भी अपने ससुराल से अपने ग्राम प्रधान को लोग गलत तरीके से नापी कराएंगे तो ग्राम प्रधान को उन्होंने बुलाया, अपने जेठ को बुलाया दिल्ली से, गांव अपने भी ससुराल के बहुत सारे लोगों को इन्होंने बुलाया जिस दिन नापी हुई। सर, नापी होने के बाद इनके जेठ ने वहां के ग्राम प्रधान ने भी इनसे यही बोला कि आप लोगों का यहां कुछ है नहीं, जो भी है शिवा शंकर सिंह, रामबचन सिंह और अश्वनी कुमार सिंह के नाम। मैंने ये पंचों ने कहा, पंचों ने कहा, लेकिन उसकी बात को अवहेलना करते नहीं, उस दिन इन्होंने माना पंच। अच्छा, नापी में हालांकि इनके जेठ ने भी बोला कि आपके पास कुछ है नहीं, जैसे है मिल व्यवहार के अपने भैया के साथ रहो, ठीक है, जैसे है वैसे रहो और चक्की चलाओ और इनके साथ प्रेम भाव से रहो, क्योंकि अगर तुम कोई कंस्ट्रक्शन भी कराती हो तो जमीन इनके नाम से है, इनके बच्चों के नाम से, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। लास्ट में यही नहीं, तो उसने इस चीज़ को माना पहले पंचायत से, फिर सर पंचायत से मानने के बाद पंचायत ने कुछ शर्तें रखी पापा जी से, जो भी पापा जी से उन्होंने शर्तें रखी, पापा जी वहाँ चले गए। उन्होंने बोला कि इतनी ज़मीन इनके लिए छोड़ दीजिए, पापा ने तैयार भी हो गए पापा, तो ठीक है। फिर बोले पापा कि मलबा जो है इनको दे दीजिए, जितना भी मलबा यहाँ का निकलता है इस पुराने मकान का इनको, और चक्की का जो भी मलबा है आप लेंगे, बाकी मलबा इनके पापा उसके लिए तैयार हो गए, ठीक है हम दे देते हैं। उसके बाद इन्होंने पंचायत का जो पंचनामा तैयार हुआ सर, पेपर तैयार किया गया, तो पेपर तैयार होने के बाद इनको भी दिया गया एक प्रति, एक प्रति पापा के पास था, इन लोगों ने सबको दिखाया, सब समझ लिया, तो बहुत लोगों से जाकर वो जो है पंचनामे की कॉपी है आपके जी पास? सर, जी है। अच्छा अच्छा, तो ये पंचनामे की कॉपी अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों के पास ले गए, इन्होंने समझ लिया, और जो इनके साथ से इनके साथ पंच में थे शामिल उन्होंने भी देखा और उस पंचनामे पर इन लोगों ने सिग्नेचर किया। इनकी माँ ने भी अंगूठा लगाया, इनके पति ने भी, खुद इस लड़की ने भी, सब। उसके बाद इन्होंने सब तोड़ लिया, इधर का सारा मलबा ले लिया तोड़कर,
और जल्दी जल्दी अपना सब बना लिया। बनाने के बाद क्या है सर कि हमारा भी कुछ इन्होंने हिस्सा पकड़ ले करके बना लिया। तो इनका एक इनकी बहन एक बड़ी बहन चौरा में रहती है, उनका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड आया उसके पास। वो आया तो बोला कि तुमने तुम्हारी जगह कहाँ तक है, तो इसने बताया कि ये सीढ़ी तक जो है इनका। मेरा श्रीमान नाम शिवा शंकर सिंह है, पिता का नाम रामदेव सिंह है, स्वर्गीय है, ग्राम मरे का रहने वाला हूँ, डाकघर चित्रपड़ा गाँव है, और मैं इंडियन नेवी से पेटी अफसर के रंग से रिटायर्ड हूँ और 1984 से पेंशन है। आप कहाँ से रिटायर हैं? बम्बई से। आप बम्बई से रिटायर हैं जी। तो यहाँ कुछ मामला जो है आपके सामने परिवारिक आया है, ज़मीन से संबंधित क्या मामला है? ज़मीन के संबंधित ये मामला है सर कि जो भाई मकान बनाया हूँ ये हमारे और रामबचन सिंह का मकान जो मेरे बड़े भाई हैं, और इसका हमारे पास पेपर है। ये पेपर है? हाँ ये पेपर है, इसका खतौनी मेरे पास है। आपके इसमें ज़मीन में कितने कै बटा हिस्सा है, कितना ज़मीन हिस्सा है आपके? इस हिस्से में हमारा 2/3 हिस्सा है। 2/3 का आप हिस्सेदार हैं? हाँ। तो ये जो विवादित ज़मीन हम देखने गए थे जहाँ आप वहाँ तोड़ करके जर्जर मकान को जो है आप बनाने के लिए आप तैयारी किए थे, तो